आदिवासी समाज को सामने डिंडोरी विधायक को ओमकार मरकाम आय करा हल, साधेंगे सहरिया समाज का वोट। विजयपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार का अब एक दिन शेष रह गया है, क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है और इस विधानसभा में आदिवासी वोटों की संख्या भी अधिक है। फिलहाल कांग्रेस ने अपने पुराने साथी रामनिवास रावत को हराने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। सभी समाजों को साधने कांग्रेस ने अपने विधायक और पूर्व मंत्रियों को लगा दिया है। वहीं आज आदिवासी समाज के बड़े नेता कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम कराहल आए हुए हैं, जो अब चुनाव के ऐन वक्त पर आदिवासी समाज के वोटों को साधने का काम करेंगे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में विजयपुर के जनता, कराहल क्षेत्र के हमारे जनता सच्चाई के साथ खड़े हैं। सबको आज इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि यहाँ जो आज उपचुनाव हो रहा है, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जाकर के आज मंत्री बनकर के जनता के बीच में जो जा रहा है, वो व्यक्ति बेईमान है। उन्होंने अपना ईमानदारी को बेच दिया। आज का जो चुनाव है, ईमानदारी वर्सेस बेईमानी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी जीतेगा और बेईमानी हारेगा। ये कह रहे हैं सर, वो विकास नहीं कर पा रहे थे इसलिए कांग्रेस को छोड़ गए, अब विकास करेंगे क्षेत्र में। मुझे बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्या उन्होंने विकास के लिए कौन सा मापदंड तय कर दिया है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंधिया जी मंत्री थे, रामनिवास रावत जी मंत्री थे। ये क्षेत्र की जनता का विकास नहीं चाहते, ये अपनी विकास के लिए जाते हैं। सब लोग समझदार हैं, जानते हैं इनको मंत्री पद बना रहना इनके लिए विकास है, इनके लिए जनता का विकास में कोई सरोकार नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, इनके कार्यकाल और मेरे कार्यकाल का आप अनुभव कर लीजिए। मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इन्होंने अपना हित देखा है, क्षेत्र का हित ये नहीं करने वाले हैं। जो भी भाजपा में लोग गए हैं, सिंधिया जी हो चाहे वर्तमान में रामनिवास रावत जी, ये अपनी विकास देखते हैं, ये जनता का विकास नहीं देखते हैं। बेबुनियाद जनता को गुमराह कर रहे हैं, पर जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ जनता जीतेगी, बेईमान हारेंगे। सर, लगातार सीएम आ रहे हैं, दो दिन पहले कराल थी, आज विजयपुर आए हैं, रोड शो कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सीएम, सरकार चुनाव लड़ रही है सामने से? बिल्कुल मोहन यादव जी, पूरी तरह से सरकार को यहाँ झोंक दिया है कि जनता की जो जनादेश है उसको रोका जाए, और सरकार को यहाँ पूरी तरह से षड्यंत्र के माध्यम से जनादेश मिले। पर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों से बात हुई है, मैं कल बुधनी में भी था, हमारे लोग कहते हैं ये चुनाव में जनता जीतेगी, सरकार हारेगी, और जनता बड़ा है, लोकतंत्र में जनता ही जीतेगी। आपके प्रत्याशी की तुलना जो बीजेपी के सांसद है मौजूद, उन्होंने नक्सली से कर दी थी कि नक्सलियों से संबंध है, सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के लोग इस देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, ये देश के अंदर गरीबों का हक छीन रहे हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं जो इस देश के गरीबों का हक छीने वो कौन है। आज जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद आरोप लगाना भाजपा की आदत में है। सच्चाई की लड़ाई मुकेश लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और जनता के आशीर्वाद प्राप्त करके सदन में भी लड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। आज आप आए सर, कितनी क्या ताकत बढ़ाएंगे आप प्रत्याशी की? हमारे जनमानस के बीच में आज हम आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे साथी यहाँ आज सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेगा सच्चाई। पूरी मुझे विश्वास के साथ आज यहाँ पर आने के बाद ये एहसास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर जिस तरह से मोहन यादव जी स्वयं आकर के षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव को जीतने का जो तौर तरीका निकाल रहे हैं, वो पूरी तरह से असफल होंगे।